कर्म सबके सामने आएंगे। वो क्या है ना, कर्म कभी रिश्वत नहीं लेते, जैसे अरविंद केजरीवाल जी रिश्वत लेते थे, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। अरविंद केजरीवाल जी जमीन बेच के अमीर बने हुए हैं, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी उन्होंने। उनको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारे फ्रॉड है, भ्रष्टाचार है, अन्ना जा रहे क्यों नहीं आते? अब जनता में फर्क पड़ेगा। जनता आज चाहती है, जनता कि कांग्रेस आए, कांग्रेस के लोग आए। जनता 12 साल 10 साल से जनता दुखी रही, भारतीय जनता पार्टी से भी और आम आदमी पार्टी से भी। कांग्रेस पार्टी की दिल्ली न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। दिल्ली के राजघाट से ये यात्रा निकलती हुई कई इलाकों में पहुंचेगी। अब आप ये तमाम हुजूम और भीड़ देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे जोशों के साथ, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनावों में जुट चुकी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर ये यात्रा होती हुई जाएगी। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त आपको इन तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे होंगे। कई नेता जो हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त जो है दिल्ली के राजघाट से आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली के राजघाट के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो ये यात्रा है कई इलाकों से दिल्ली के होते हुए आज गुजरेगी। आपको बता दूं अब ये यात्रा दिल्ली गेट, फिर असफ अली रोड, तुर्कमान गेट, सीताराम बाजार, हौज, काजी चौक, कटरा बरियानी, फतेहपुर, पूरी इन जगहों से होती हुई ये यात्रा निकलेगी। तमाम तस्वीरें इस वक्त आप ये यात्रा की देख रहे हैं। ये दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा जो है, दिल्ली न्याय यात्रा जो है इस वक्त निकाली जा रही है। ये देखिए दिल्ली न्याय यात्रा की है, ये किस तरीके से मार्च करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, न्याय यात्रा की झलकियां हैं जो आपको एक एक करके मैं दिखा रही हूँ। आप देखिए दिल्ली के 70 विधानसभा में मैं आपको बता दूं ये यात्रा होती हुई गुजरेगी। चुनाव की बात नहीं, इसमें है न्याय दिलाने की बात। जो ये केजरीवाल गलत कर रहा है, प्रदूषण कर रहा है, वो जो है नारी सुरक्षा के लिए हम न्याय मांग रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं है, वो जो है हम चाहते हैं कोई ये संविधान बदले, ये संविधान को छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये न्याय यात्रा का न्याय मांग रहे हैं हम। अभी युवाओं को रोजगार मिले, दिल्ली में प्रदूषण है वो खत्म हो। ये तमाम मुद्दे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता इस न्याय यात्रा से जुड़े हुए हैं उनके हैं। ये इस वक्त ये देखिए न्याय यात्रा की तमाम तस्वीरें देखिए। दिल्ली के कई इलाकों से गुजरती हुई ये यात्रा निकलेगी। कहीं ना कहीं अब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी फॉर्म में नजर आ रही है। कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कुछ कहेंगे इस यात्रा के बारे में? चलिए और भी लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की। हाँ जी सर, क्या कहेंगे इस न्याय यात्रा के बारे में? किस किस को न्याय दिलाने की तैयारी की जा रही है? देखिए अरविंद केजरीवाल जी जमीन बेच के अमीर बने हुए हैं, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी उन्होंने। उनको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। पोल्यूशन का लेवल देख लीजिए कहाँ है। उन्होंने क्या कहा था कि दिल्ली में पोल्यूशन पंजाब से आ रहा, हरियाणा से आ रहा है। पंजाब में सरकार किनकी है?
इनकी सरकार है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। बिजली पानी के नाम से बोलते हैं, बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। अब ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि पेंशन बहाल कर रहे हैं, नई पेंशन बना रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब पुरानी पेंशन तो बहाल करी नहीं है, नई पेंशन कैसे बना सकते हैं? इनकी औकात नहीं है राशन कार्ड तक बना दें। मैडम जी, राशन कार्ड तक नहीं बना सकते ये लोग, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तमाम इनके जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन इनका कहना तो ये है ना, देखिए हमें फर्जी केस में जेल के अंदर डाला गया, दिल्ली के लोगों ने के लिए हमने फ्री की बिजली कर दी, और महिलाओं के लिए बसों की सुविधा फ्री कर दी, पानी देखिए वो फ्री में, मतलब ये तमाम चीजें कैसे, इन सब चीजों पर किस तरीके से काम करेगी कांग्रेस पार्टी? ये क्या अपने बाप की जगह से लेकर आ रहे हैं? सरकार का, दिल्ली का, जनता का पैसा है और जनता में दे रहे हैं, क्या गलत क्या है मुझे बताइए। ये कोई अपने, तो कांग्रेस पार्टी भी अपने कई राज्यों के अंदर कर रही है ना, जहाँ पर वो महिलाओं को मुफ्त शिक्षा या फिर कह सकते हैं कि महिलाओं को पैसे देने की बात करती है, महिलाओं के लिए फ्री की बस सेवा चलाने की बात करती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी का अपने घर से लेके आएगी? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी लाडली योजना लेकर आई थी, इन्होंने लाडली योजना बंद कर दी। ये क्या बता क्या कर रहे हैं ये? आप शिक्षा का स्तर देखिए कहाँ से कहाँ घट, मतलब कितना शिक्षा को किस तरह कहाँ बढ़ा दिया इन्होंने। दिल्ली के स्कूलों की हर जगह कहते हैं कि देखिए विदेशों में हमारे मॉडल दिखाए जाते हैं, दिल्ली के जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत सुधार हुआ है। मैं बता दूं मैडम जी, गरीब जनता के लिए कांग्रेस पार्टी EWS कैटेगरी के सम्मान लेकर आई है कि गरीब का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है। वो EWS की कैटेगरी कौन लेकर आया? वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, आदरणीय शीला दीक्षित जी लेकर आई थी। इन्होंने क्या करा? इन्होंने उस किसी स्कूल के अंदर 5-7 कमरे बना दिए और बड़ा शेर ले लिया। ये देखिए तमाम रोड चीख चीख के चिल्ला रही है कि आप रोड कब बनाओगे। ये चेपियां लगा रहे मैडम, क्या बताऊं आपको। पहले रोड पूरा बनता था, है ना, जहाँ गड्ढे होते ना, गड्ढे को भरा जाता था, पूरा रोड बनता था। आज जहाँ गड्ढे वहाँ चेपियां लगाते हैं। और मैं बता दूं आपको, पार्टी के भ्रष्टाचार से तंग होकर ही तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को चुना था। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ रामलीला मैदान है जो कि झूठा प्रचार किया गया था। कहाँ अन्ना हजारे, पूर्ण स्वराज का बात करते थे, कहाँ है बताइए आप, बताइए कहाँ है। मैं कहना चाहता हूँ ये सारे फ्रॉड है, भ्रष्टाचार है। अन्ना हजारे क्यों नहीं आते? अब आप मुझे बताइए, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने वाला ये अरविंद केजरीवाल जी, ये क्या जेल में, सुनिए लोकसभा चुनावों में कहा था। मैं बता दूं मैडम, ये बेल में बाहर है और बड़ी बड़ी प्रचार कर रही है। आप मुझे बताइए क्या चल रहा है, एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है, एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है। आप हमारे पर क्यों नहीं है हम, आप मुझे बताइए, बताइए कांग्रेस पार्टी पे ऐसा कौन सा आरोप है आप मुझे बताइए जो सिद्ध हुआ है आज तक। इंडिया गठबंधन के रूप में केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी एक साथ लोकसभा चुनावों में लड़ी, तब क्या दिल्ली के अंदर ये शराब नीति वाला मुद्दा? आपको बता दूं, वो गलती थी हमसे, गलती थी, हो गई। देखिए अगर आम आदमी पार्टी की हवा होती तो एक सीट तो आती, दिल्ली की 4-7 लोकसभा सीट में 4 पे ये लड़े, 3 पे हम लड़े। चलो हम कहते हैं हमारे नहीं है भरोसा, मगर हमारा वोट बैंक देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा, और इनका देखिए कहाँ से कहाँ गिरा। दिल्ली की जनता नकार रही है इनको, क्योंकि इनके जो भ्रष्ट विधायक है वो किसी जनता का किसी का काम करके राजी नहीं है। आप मुझे बताइए पेंशन, आप मुझे बताइए आज महिला उत्पीड़न के मामले कितने बढ़ रहे हैं, क्या इन्होंने ठोस कदम उठाए बताइए आप। मैं आपको बता दूं, बिजली पानी के नाम से सत्ता में आए थे, बिजली पानी के बड़े बड़े मीटर हैं, बड़े बड़े बिल हैं। आपको एक बात और बता दूं, ध्यान आपके आपकी तरफ आकर्षित बता देना चाहता हूं कि आज के समय अरविंद केजरीवाल जी ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं बिजली के लिए, मीटर ऐसे मीटर लेकर आ रहे हैं कि जैसे प्रीपेड मोबाइल का सिम चलता है, अगर आप पैसे भराओगे तब वो आगे बढ़ेगा वरना बंद हो जाएगा, उसी प्रकार से बिजली के भी ऐसे कर रही है कि अगर आप रिचार्ज कराओगे तो बिजली आएगी वरना नहीं आएगी। आप मुझे बताइए लाल बिल लाल और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से मार्च करते हुए कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की दिल्ली न्याय यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, और ये दिल्ली के तमाम इलाकों से होती हुई गुजरेगी, लगभग एक महीने तक ये यात्रा चलाई जाएगी। सर, इस न्याय यात्रा के बारे में क्या कुछ कहेंगे, कितना फर्क जो है दिल्ली की जनता पर पड़ेगा वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर या बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाएगी? देखिए मैडम, ऐसा है
जनता में फर्क पड़ेगा। जनता आज चाहती है, जनता कि कांग्रेस आए, कांग्रेस के लोग आए। जनता 12 साल 10 साल से जनता दुखी रही, भारतीय जनता पार्टी से भी और आम आदमी पार्टी से भी। देश के प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी झूठ बोलते रहे। वो इनकी सिर्फ झूठ की परिकाष्ठा है, अपनी राजनीति कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। आज महंगाई भी चरम सीमा पर है और लोगों से अत्याचार है। दिल्ली भारत की राजधानी, यहाँ पे कानून व्यवस्था खराब हो गई, सरेआम गोली चल कर लोगों को मार देते हैं, पुलिस के कस्टडी में लोगों की मौत हो जाती है, गोली मार दी जाती है। तो ये कानून व्यवस्था है पूरे देश की भी। तो देश के दिल्ली के लोग चाहते हैं न्याय यात्रा, जीवित यादव के नेतृत्व में यात्रा निकाली है। हमारी 16 विधानसभा में जाएगी यात्रा 15 तारीख तक, फिर 16 विधानसभा, फिर 18, फिर 20, 4 दिसंबर तक हमारी यात्रा है। और ये कामयाबी मिली, दिल्ली के लोग खुश हैं कि कांग्रेस आए, कांग्रेस वाली हमें दिल्ली चाहिए। ये तो अभी चुनावों में पता चलेगा कि क्या वाकई दिल्ली की जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो फिर से सत्ता में वापसी करे। शुरू होते हुए यात्रा दिल्ली गेट से और आगे दिल्ली के कई इलाकों में ये यात्रा जाएगी। वैसे तो कहा गया था इस यात्रा के अंदर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया जी। कर्म सबके सामने आएंगे। हाँ। वो क्या है ना, कर्म कभी रिश्वत नहीं लेते, जैसे अरविंद केजरीवाल जी रिश्वत लेते थे। हाँ। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। हाँ। इन्होंने बहुत दिल्ली की जनता को सताने का काम किया है। आज मुझे बताया, अगर शराब नीति के अंदर इतने ही ज्यादा उन्होंने गलत चीजें की होती तो अब तक तो जेल में होते ना, तो जेल में उन्हें जमानत मिल रही है। मोदी, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी क्या है, सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ। उन्होंने क्या करा, अरविंद केजरीवाल जी को बेल देने का मतलब ये था कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम करेंगे। मगर मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से मैडम जी, कि इस बार दिल्ली की जनता कड़ा जवाब देगी अरविंद केजरीवाल जी को और नरेंद्र मोदी जी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यात्रा जो है अभी दिल्ली की सड़कों पर निकाली जा रही है। कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की भी कोशिश की कि लोगों का क्या कुछ कहना है। सर, क्या कुछ लेकर चल रहे हैं अपने साथ? चल रहे हैं, ये दिल्ली की समस्या है, ये दिल्लियों के मुद्दे हैं, दिल्ली के महंगाई के मुद्दे हैं, दिल्ली के गंदे पानी के मुद्दे, दिल्ली के बड़े बिजली के मुद्दे हैं, और किस तरीके से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, ये मुद्दे आज जो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेश पर जो देवेंद्र गांधी जी ने उठाया मुद्दा, उसी को दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि राहुल जी जो आपने पुरानी जो यात्रा आपने भारत जोड़े यात्रा करी थी, आपने दिल्ली के अंदर भी अच्छा संदेश दिया है। दिल्ली जो आज जो टाइम में सोने की चिड़िया कराती थी, धूल भरी आती है, उसी को दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। बिजली का मीटर इन्होंने ले रखा है, पानी गंदा पानी किसका, यमुना का ये पानी है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चल रहे हैं, मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि पूरी तैयारी जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर ली है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने की। सीवर का पानी, ये तस्वीरें हैं कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा की, जो दिल्ली के अंदर राजघाट से शुरू होने वाली है और यहाँ से निकलते हुए लगभग 30 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में ये यात्रा जाएगी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। साथ ही में आप ये देखिए कि इन तस्वीरों के अंदर किस तरीके से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सत्येंद्र यादव जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर अजय माकन मौजूद हैं। साथ ही में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, अनिल चौधरी यहाँ पर मौजूद।
बोलते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं और साथ ही में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए और केजरीवाल की शराब नीति पर को घेरे में लेने के लिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो तैयार नजर आ रही है। और केजरीवाल की आप देख सकते हैं तस्वीरों के साथ यहाँ पर जो है एक शराब की बोतल जो है एक इस गुब्बारे के अंदर बना दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो है वो अगले साल होने वाले हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर किस तरीके से सियासत अब गर्म होती जा रही है उसे आप इस न्याय यात्रा से समझ सकते हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, इन लोगों का क्या कुछ कहना है। ये आप तमाम तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, दिल्ली के राजघाट की तमाम तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ साथ बहुत से आम लोग भी इस यात्रा में शुमार होने के लिए आए हैं। और साथ ही में अब आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है वो भी जो है वो पूरा पूरा देखने को मिल रहा है। और कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है। आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त दिल्ली न्याय यात्रा की आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो किस तरीके से एकजुट होकर अब दिल्ली के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुके हैं। तो कुछ लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की भी यहाँ पर, इन लोगों का क्या कुछ कहना है। सर क्या कुछ कहेंगे, दिल्ली की अंदर जो ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है इसका कितना असर जो है वो विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा? इसका असर बहुत ज़्यादा विधानसभा चुनावों में पड़ेगा। और जिस तरह दिल्ली आज एक समस्याओं से जूझ रही है, जो आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे दिल्ली के लोगों के साथ, वो आम आदमी पार्टी ने वो वादे पूरे नहीं किए। अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आने की तैयारी कर रहे थे तो उनका मानना था कि हम शीला दीक्षित भट्टाचार्य है, हम शीला दीक्षित को जेल पहुँचाएंगे। वो शीला दीक्षित को तो जेल नहीं पहुँचाए, खुद ही वो जेल में चले गए भ्रष्टाचार के आरोप में, घोटाले के आरोप में। तो शीला सरकार के टाइम में जो काम हुए हैं वो आज तक अरविंद केजरीवाल जी से उसकी सफेदी वगैरह पेंट वगैरह भी नहीं करा पाए। और जो अस्पतालों में जो व्यवस्था कांग्रेस के समय में थी वो आम आदमी के समय में वो व्यवस्था दिल्ली के अंदर नहीं है। अब ये भारत जोड़ो सर क्या कुछ कहेंगे आप इस दिल्ली न्याय यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं? दिल्ली के अंदर केजरीवाल की पार्टी पर ये किस तरीके से असर डालेगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, मुख्यमंत्री पद के से भी इस्तीफा दे दिया है, तो कैसे कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में अपने मुद्दों को रख पाएगी? देखिए जैसा कि आपने देखा होगा, दिल्ली का पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार है उसने कितना भ्रष्टाचार किया है। कोई डिपार्टमेंट दिल्ली का ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो। और एक के बाद एक विधायक और एक के बाद एक मंत्री और मुख्यमंत्री तक को जेल में जाना पड़ा। पूरी दिल्ली को नशे का कारोबार इन्होंने बना दिया, नशे की राजधानी इन्होंने बना दिया। उसी को देखते हुए जिस तरह से दिल्ली के अंदर 15 साल में दिल्ली कांग्रेस ने राज किया है और 15 साल जो शीला दीक्षित हमारी मुख्यमंत्री रही है, दिल्ली को बनाने का काम, दिल्ली को वर्ल्ड लेवल का काम, दिल्ली की एक एक सड़क, एक एक फ्लाईओवर और जिस रोड पर हम चल रहे रिंग रोड, इसको रेड लाइट फ्री करने का काम और हजारों लाखों काम दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित ने और कांग्रेस पार्टी ने करे हैं। दिल्ली को अपने खून से हम लोगों ने सींचा है, उसी के तहत आज 10 साल से दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली को डुबोने का काम, दिल्ली को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। उसी के लिए आज दिल्ली कांग्रेस न्याय यात्रा निकालने जा रही है। इस न्याय यात्रा के द्वारा हम 70 की 70 विधानसभा में हम लोग जाएंगे और दिल्ली की जनता को जगाने का काम करेंगे, दिल्ली की जनता को याद दिलाएंगे कि दिल्ली को बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है और दिल्ली की जनता को साथ लेकर दिल्ली को दोबारा बनाने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग इन चुनावों के अंदर उतरेगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने का भी कोई फायदा नहीं दिखाता, तो क्या इस कारण से अब केजरीवाल को भी कांग्रेस पार्टी ने घेरना शुरू कर दिया? देखिए लोकसभा का अलग चुनाव था, वो देश का चुनाव था, उस टाइम पे इंडियन अलायंस की जरूरत थी, लेकिन ये दिल्ली का स्टेट का राज्य का चुनाव है। इसमें हम आम आदमी पार्टी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। जिस तरह से दिल्ली को डुबोने का और दिल्ली को लूटने का काम किया है, अब की बार इनकी पोल खोलने का काम दिल्ली कांग्रेस न्याय यात्रा द्वारा करेगी। और जगह जगह जब दिल्ली की 70 विधानसभा हम जाएंगे, हर विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और दिल्ली को दोबारा बनाने का काम
और दिल्ली का जिस तरीके से हमने बनाया था, सींचा था, उसी तरीके से दिल्ली को वर्ल्ड लेवल का बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो तमाम लोग हैं, सर क्या कुछ कहेंगे, दिल्ली न्याय यात्रा का क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है असर क्या पड़ेगा? पहले भी असर पड़ा है, भारत जोड़ो यात्रा से असर नहीं पड़ा, 46 से 99 हुई ना, तो अब भी होगा, दिल्ली में शासन आएगा कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी के सत्ता को कांग्रेस पार्टी हिला पाएगी? इतने सालों से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता पर काबिज है, आपको नहीं लग रहा? तिहाड़ में कौन कौन बंद है, तिहाड़ में कितने नेता बंद है, इनके मिनिस्टर बंद है ना। लेकिन अब तो वापस आ गए ना, सब निकल कर आ गए, अभी तो अंदर है, सत्येंद्र जैन अंदर है, आपको जमानत मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी, दोबारा चले जाएंगे, घोटाला तो उन्होंने करा ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के जो अंदर जो शराब नीति का घोटाला है उसको लेकर किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से सब लोग अब केजरीवाल की पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आगे की तरफ कोशिश करते हैं और भी लोगों से बातचीत करने की। मैम ये जिस तरीके से जो ये यात्रा निकल रही है इसमें आपको क्या लगता है, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी के बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कि दिल्ली की जनता को आपको लगता है कि उससे उसको फायदा मिल रहा है, जैसे दिल्ली के अंदर फ्री की बस महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, और फिर जिस तरीके से फ्री बिजली पानी जो है इसको लेकर भी, क्या इन सब चीजों की मुद्दों की कार्ड जो है वो कांग्रेस पार्टी निकाल पाएगी, महिला होने के नाते भी क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बिजली के बिल आपको पता है ये सिर्फ ढकोसला है, और कितने कितने लोगों के बिल आ रहे हैं, आप जाके रियलिटी में आप ग्राउंड पे जाके देखें, ये एक मिसकंसेप्शन है, पब्लिक की आंखें खुल चुकी हैं। और आपने कहा जो मुफ्त का वो हमारा पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है, और केजरीवाल का बिल्कुल अब हवा खत्म हो गई, लोग उनसे चिढ़ने लग गए। कांग्रेस ने जो विकास किया शीला जी के टाइम में, जो इतना डेवलपमेंट, अब दिल्ली को देखे ना, एक स्लम क्लस्टर में डेवलप कर दिया केजरीवाल ने। आप कोई भी काम हो, सिर्फ दोनों पार्टियां दिल्ली एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे को ब्लेम करती हैं, काम करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आप देखिए ना दिल्ली की हालत कहाँ हो गई है, और उस टाइम हमारे शीला जी के टाइम में आप चाहे फ्लाईओवर देख ले, इनसे फ्लाईओवर रिपेयर तक नहीं हो रहे। आप रोड्स की हालत देख लीजिए, आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देख लीजिए, आप पोल्यूशन देख लीजिए। अभी कहते हैं जी पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? आपसे किसी भी एंगल पे, इकोनॉमिकल फ्रंट पे, पॉलिटिकल पे, सोशल पे, पब्लिक के लिए, आप देख लीजिए पेंशन नहीं मिल रही महिलाओं को, हमारी लाडली योजना शीला जी ने की वो कहाँ पर है? सिर्फ ब्लेम गेम, एक आम आदमी को लेकर इन्होंने जो सपना दिखाया वो बिल्कुल धरती पे मिल गया। कांग्रेस आएगी, फुल मेजोरिटी में आएगी। राहुल जी ने जो न्याय यात्रा निकाली उसकी वजह से हम लोकसभा में जीते, हमारी सीटें बढ़ी। पर आप दिल्ली में देखिएगा जो न्याय यात्रा, देवेंद्र जी, अजय जी, पूरे दिल्ली के नेता, हम लोगों के प्रभारी, ऊपर के जो हमारे मल्लिकार्जुन जी, जिनके राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, जिनके निर्देशानुसार, आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में आज कांग्रेस वर्कर सड़कों पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे पब्लिक खड़ी है, सिर्फ वर्कर नहीं पब्लिक भी खड़ी है, क्योंकि वो दुखी हो गई है झूठे वायदों से, वो चाहती है कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए ये जो न्याय यात्रा हमारी दिल्ली में देवेंद्र जी के नेतृत्व में चली है बहुत कामयाब होगी, जिसका ट्रायल आज आप पहले दिन देख रहे हैं। तो देखिए अब ये देखा जाएगा कि जो 70 विधानसभाओं पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को जीतने की तैयारी कर ली अगले विधानसभा चुनावों की, उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा ये देखना सबसे बड़ी चीज होगी, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली का चुनाव या कहे कि दिल्ली की सीट किस पार्टी के हाथ में जाएगी और कौन दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा वो ये अगले साल पता चल पाएगा। बहरहाल अब इस दिल्ली न्याय यात्रा के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।